एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंसूरी इंग्लिश क्लासेस बाय दानिश सर। दोस्तों, अगर आप अपने इंग्लिश को और बेहतर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि मैं सिखाने वाला हूँ आपको एक डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस जो कि आपकी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। तो देखते हैं क्या है, देखते हैं। देखो, पहला सेंटेंसेस है कुछ ना कुछ तो बोलो, कुछ ना कुछ तो करो। अब इस तरह के सेंटेंसेस आप जरूर बोलते हैं अपनी लाइफ में, कुछ ना कुछ तो बोलो, कुछ ना कुछ तो करो, कुछ ना कुछ तो खाओ, कुछ ना कुछ तो पढ़ो, कुछ ना कुछ तो लिखो। ऐसे हजारों सेंटेंसेस आप अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं। आपने कभी सोचा है इन सारे सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में बोल सकते हैं? तो आज मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से इसी तरीके से आपको सिखाने वाला हूँ किस तरीके से आप इन सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बना सकते हैं। सो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको यूज करना है जो भी मीनिंग्स उसमें दे रखा है, कुछ ना कुछ तो बोलो। अब बोलने के लिए गाइस आपको लिखना है सबसे पहले स्पीक, क्या लिखेंगे? स्पीक। फिर उसके बाद आपको कुछ नहीं लिखना, आपको लिखना है समथिंग, समथिंग और दी अदर, और दी अदर, बस इतना लिख देना। स्पीक समथिंग और द अदर, कुछ ना कुछ तो बोलो। अगर मुझको बोलना है कुछ ना कुछ तो खाओ, ईट समथिंग और द अदर, कुछ ना कुछ तो पढ़ो, रीड समथिंग और द अदर, कुछ ना कुछ तो खेलो, प्ले समथिंग और द अदर, कुछ ना कुछ तो लिखो, राइट समथिंग और द अदर। सो गाइस, समथिंग और द अदर का यूज कर आप हजारों सेंटेंसेस बोल सकते हैं। तो जल्दी से कमेंट में मुझको लिखकर बताइएगा कुछ ना कुछ तो करो इसको कैसे बोलेंगे, कुछ ना कुछ तो करो। जल्दी से कमेंट में एक बार लिखकर मुझको बता दें जल्दी से। तो आप बोलेंगे सबसे पहले करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डू। तो आप बोलेंगे डू। फिर बोल देंगे समथिंग, समथिंग और दी अदर, और दी अदर। तो आप इसकी मदद से आप बोल सकते हैं डू समथिंग और दी अदर। तो इस तरह के हजारों सेंटेंसेस आपको बोलने पड़ते हैं। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको बोलना है कुछ ना कुछ तो पढ़ो, तो आप बोलेंगे स्पीक समथिंग और द अदर, कुछ ना कुछ तो पढ़ो, रीड समथिंग और द अदर। कुछ ना कुछ पसंद आया हो तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।